Hello, good morning everyone. As in the last video lecture, we have completed up to exercise 3.3. Today we will start exercise 3.4. In this video lecture, we will learn how to multiply by a 3-digit number. So let's start the exercise. See the first question: find the product. The first question is 223 into 137. The first question is given 223 into 137 तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको जैसा कि हमने टू डिजिट वाले में मल्टीप्लाई किया था एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे भी तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग जो वंस वाले प्लेस पे है वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सेवन का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम किससे करेंगे थ्री से करेंगे तो सेवन थ्री जा कितना होता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन का वन कैरी कितना लेंगे हम टू तो फिर सेवन का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे टू से तो सेवन टू जा कितना हो जाएगा फोटीन फोटीन प्लस टू कितना होता है सिक्सटीन सिक्सटीन का सिक्स कैरी वन सेवन को मल्टीप्लाई फिर टू से करेंगे सैवन टू जहाँ फोटीन फोटीन प्लस वन कितना हो जाएगा फिफ्टीन यो क्या हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया अब अपने को क्या करना है अब हमको नेक्स्ट देखिए वंस वाला हो गया अब क्या करेंगे हम लोग टेंस वाले जो प्लेस है उस पर मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या करना है या तो आपको जीरो या तो आपको क्रॉस लगाना है ठीक है तो आप ज़ीरो या क्रॉस कुछ भी लगा सकते हैं अब हम करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई तो चलिए थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री का थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा थ्री थ्री जहा नाइन थ्री का मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स उसके बाद थ्री का मल्टीप्लाई फिर टू से करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स मिलेगा ठीक है यहाँ तक हो गया अब लास्ट है हमारा ये जो हंड्रेड वाले प्लेस पे है जो वन उससे अपने को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा हंड्रेड वाले प्लेस से स्टार्ट करना है अपने को तो ये वंस वाला प्लेस था अब उसके बाद एक क्रॉस आपको और लगाना पड़ेगा यहाँ पे वन और टेंस दोनों पे लगाना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो अगला जो डिजिट है वो हमारा हंड्रेड वाला है ठीक है ना तो वन टेंस उसके बाद हंड्रेड तो हंड्रेड वाले प्लेस से स्टार्ट करेंगे हम लोग तो वन का मल्टीप्लाई थ्री से करते हैं तो कितना मिलेगा यहाँ पे थ्री उसके बाद टू से करेंगे तो टू मिलेगा उसके बाद यहाँ पे टू से करेंगे तो टू मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे यह हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है लास्ट में आपको क्या करना है केवल इसको ऐड करना है ठीक है तो चलिए ऐड करते हैं यहाँ पे आ जाएगा वन ठीक है क्या आएगा वन नाइन प्लस सिक्स कितना होता है नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन का फाइव कैरी वन उसके बाद देखिए इसको ऐड करते हैं थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा नाइन नाइन प्लस फाइव वो हो जाएगा आपका फोर्टीन फोटीन और कैरी वन था तो कितना हो जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन का फाइव कैरी वन फिर से उसके बाद देखिए टू प्लस सिक्स कितना होगा एट एट प्लस वन नाइन और कैरी वन था तो नाइन प्लस वन कितना हो जाएगा टेन टेन का जीरो फिर से कैरी हो जाएगा वन लास्ट में क्या है हमारे पास टू है तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री तो इसका आंसर होगा हमारा थ्री जीरो फाइव फाइव वन ठीक है तो यहाँ पर हमारा ये फ़र्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ठीक है ना तो आपको बस ये क्रॉस वाला ध्यान रखना है कि वंस वाले के लिए करेंगे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया जब टेंस वाले के लिए करेंगे तो आपको ये सिंगल क्रॉस लगाना है उसके बाद जब आप जो हंड्रेड वाले प्लेस के लिए करेंगे तो आपको डबल क्रॉस लगाना है या तो आप क्रॉस का यूज़ करें या फिर वहाँ पर ज़ीरो भी कर सकते हैं ठीक है ना तो उसके बाद लास्ट में आपको क्या कर देना है आपको ऐड कर देना है ठीक है तो यहाँ पर हमारा ये फ़र्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया ठीक है चलिए एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं यहाँ पर तो थ्री डिजिट के जो मल्टीप्लाई है यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे और देखिए अब आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास वन हंड्रेड वन थाउजेंड टू थाउजेंड फोर थाउजेंड अगर इस टाइप के कुछ नंबर्स आते हैं तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है इसके लिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर सेवन को ले लेता हूँ फोर इंटू वन थाउजेंड ठीक है क्या करना है अपने को फोर इंटू वन थाउजेंड तो कभी भी आपको इस टाइप का नंबर मिले जहाँ पे लगातार जीरो हो मतलब टेन हो या हंड्रेड हो या थाउजेंड हो तब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या करना है इस ज़ीरो में आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे देखिए ये फोर है और ये वन है तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो फोर का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा फोर उसके बाद जितने भी यहाँ पर जो जीरो बच गए थे आप उस जीरोज़ को डायरेक्टली क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए ठीक है तो इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा फोर इंटू वन थाउजेंड का आंसर होगा फोर थाउजेंड ठीक है मतलब जीरो में आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है ना जीरो के साथ कुछ भी नहीं करना है आपको जो नंबर दिए हैं केवल आप नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए और लास्ट में जो ज़ीरो है आपको वहाँ पे मेंशन कर दीजिए ज़ीरो को जितने भी जीरोज़ हैं उसको आप लास्ट में ऐड कर दीजिए केवल ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पे देखिए क्या है ट्वेल्व इंटू अब देखिए ट्वेल्व इंटू कैसे करेंगे ठीक है ना तो इसके लिए आपको ये जीरो वाले पार्ट को वहाँ पे छोड़ देना है अभी कुछ भी नहीं करना है अब देखिए चलिए फोर का मल्टीप्लाई हम करते हैं टू से फोर टू जाट उसके बाद फोर का मल्टीप्लाई वन से करेंगे फोर वन जा फोर कितना मिला फोर्टी एट उसके बाद लास्ट में कितने थे थ्री जीरोस थे यहाँ पे आपको थ्री जीरोस ऐड कर देना है लास्ट में बस हो गया आपका आंसर ठीक है आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर कंप्लीट हो जा रहा है ठीक है तो आप सारे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे वहाँ पे अपने को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है ठीक है तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय